हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वाइन एंड डाइन। सो आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल सी रेसिपी जो है सेमिया उपमा। जनरली हम लोग प्रिफर करते हैं इसे ब्रेकफास्ट में खाने के लिए, तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए इसकी रेसिपी जानने के लिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मिलती रहे। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने डाली है सेवियाँ रोस्ट होने के लिए। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छे से रोस्ट करना होगा मीडियम आंच पे। इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो जला हुआ टेस्ट आएगा और वो स्वीटनेस देगा बैम्बिनो को। और इसमें अगर आप चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो सारे ही वेजिटेबल्स। इस रेसिपी में मैंने यूज़ किया है खाली ऑनियन एंड ग्रीन चिलीज़। एक बार ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। इसी पैन में रखने से वो ज़्यादा ही ब्राउन होने लगेगा। तो बस देखिए इस तरह से ब्राउनिश करना है, लाइट ब्राउनिश। अब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इसे दूसरे प्लेट में। और अब लूँगी मैं एक कढ़ाई जिसमें कि मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। तेल ज़्यादा मत लेना बिकॉज़ ये ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब नहीं करता है। तेल थोड़ा गर्म होने पे आप इसमें डाल देंगे राई एंड ज़ीरा। उसके बाद आपको डालनी होगी हरी मिर्च। मैंने दो हरी मिर्च ली है यहाँ पे। और उसके बाद ऐड करेंगे हम ऑनियंस। ऑनियंस को थोड़ा सौते करना एंड ट्रांसल्यूएंट होने देना। हम ऑनियंस को मीडियम आंच पे पकने देते हैं। फिर ऐड करते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसे एक मिनट तक आप सौते करिए ताकि इसकी रॉ टेस्ट चली जाए। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने घर में ही बनाया है, हम लोग स्टोर करके रखते हैं इसे। अब ऐड करेंगे हल्दी। फिर ऐड करते हैं लाल मिर्ची पाउडर। आप स्पाइस अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हो। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा। और देखिए सारा ही मसाला ऑनियन से अच्छा मिक्स हो चुका है। अब ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड कीजिए। फिर ऐड करना है नींबू जूस। अब ऐड कीजिए पानी। अगर आपने एक कटोरी बैम्बिनो लिया है तो आप डेढ़ कटोरी जितना पानी ऐड करेंगे इसमें। मीडियम आंच पे पानी को उबलने दीजिए अच्छे से। उसके बाद रोस्टेड बैम्बिनो उसमें डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स करिए ताकि कोई लम्स फॉर्म ना हो। इसके बाद मैंने लिड से कवर कर दिया था और 5 मिनट रख दिया था मीडियम आंच पे। फिर ढक्कन हटाने से देखिए इस तरह कुछ बनता है। काफ़ी यम्मी और टेस्टी बैम्बिनो रेडी हो चुका है। देखिए आप इसमें चाहते हो तो करी पत्ता भी ऐड कर सकते हो, गार्निशिंग के लिए कोथमीर भी ऐड कर सकते हो। बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस ब्रेकफास्ट रेसिपी रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी बनी है। और इसमें वेरिएशंस में आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कैरेट, बीन्स, कैप्सिकम, टोमेटोज, सारा कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें। बहुत ही टेस्टी लगता है। डू ट्राई एट योर होम एंड लेट मी नो।